हेलो एवरीवन, आज हम तैयार करेंगे एक बहुत ही शक्तिशाली फर्टिलाइज़र जिसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं और ये हमारे पौधों के संपूर्ण विकास में मदद करता है। ये है किचन वेस्ट कंपोस्ट। देखिए कितना अच्छा ये कंपोस्ट तैयार हो गया है। इसे तैयार करने के लिए जो भी हमारे किचन से वेस्ट निकलता है, ऑर्गेनिक वेस्ट, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, सड़ी गली सब्जियां जो हम फेंक देते हैं, उन्हीं को हमें इसमें यूज़ करना है। इसी से ये शक्तिशाली फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे तैयार करना है और इसे तैयार करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए हमें चाहिए ये किचन वेस्ट, किचन से निकलने वाले सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, सड़ी गली सब्जियां जो हैं कभी ख़राब हो जाती हैं वो आप ले सकते हैं, यूज्ड चाय की पत्ती, अंडे के छिलके यदि आप अंडा यूज़ करते हैं, ये सब ऑर्गेनिक मटेरियल हमें अपने किचन से मिल जाएगा। ये तो प्रतिदिन ही हमारे किचन से निकलता है। और दूसरा लेना है हमको ड्राई मटेरियल, ये भी हमें अपने गार्डन से मिल जाएगा। और तीसरी मुख्य चीज़ लेना है हमें थोड़ी सी सॉइल। अब इसे तैयार करने के लिए हमें चाहिए एक पॉट, तो मैं इसे इस पुराना मटका था उसमें तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो प्लास्टिक की बाल्टी में भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने पहले ये प्लास्टिक की 15 लीटर की बाल्टी में इसे तैयार किया है और देखिए कितना अच्छा ये तैयार हो गया है। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पॉट में नीचे थोड़ा होल होना चाहिए। मिट्टी के पॉट में या गमले में यदि आप बना रहे हैं तो ज़्यादा होल करने की ज़रूरत नहीं है, बस नीचे एक होल हो उतना काफ़ी है, क्योंकि इसमें तो बारीक होल होते ही हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। तो सबसे पहले हमें नीचे डालना है ये ड्राई मटेरियल। ये जो भी इसमें पानी निकलेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और थोड़ा मॉइस्चर इससे बना रहता है। बस अब हम डाल देंगे ये अपनी सब्जियों के छिलके। बस इसके ऊपर हमें डाल देना है एक सॉइल की पतली लेयर। इससे क्या होगा कि सॉइल में पहले से सूक्ष्म जीव होते हैं जो इसे जल्दी डीकम्पोज कर देंगे। और दूसरी बात कि ये सॉइल से कवर रहेगा तो बदबू भी नहीं आएगी और मक्खी मच्छर वगैरह गंदगी भी नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा जो भी हमारा किचन वेस्ट रोज निकलता है उसे एक दो दिन पॉलीथीन में या डस्टबिन में इकट्ठा करके आप डालते रहिए, क्योंकि एक दिन में तो बहुत सारा निकल नहीं सकता है। और बस जब भी आप डालें ऊपर से आप इसमें सॉइल की एक लेयर डाल दें, बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी। इसे आप अपनी बालकनी में भी रख सकते हैं और बस ऊपर से थोड़ा सा ये ड्राई मटेरियल भी डाल दीजिए। इस कंपोस्ट को तैयार होने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। गर्मियों में थोड़ा जल्दी तैयार हो जाता है और ठंड में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। और दूसरा, इसकी मात्रा पर भी डिपेंड करता है। यदि आप थोड़ी मात्रा में बना रहे हैं तो जल्दी बन जाएगा, बस ऊपर से आप सॉइल जरूर डालें। इससे ये डीकम्पोज भी होगा जल्दी और बदबू भी नहीं आएगी, गंदगी नहीं होगी। पूरा पॉट भरने में कम से कम 15 दिन तो लगेंगे ही। ये देखिए, अब ये भर चुका है। इसमें फिर से ऊपर से हम मिट्टी की एक लेयर डाल देंगे। और ऊपर से इसमें ये सारा ड्राई मटेरियल भर देंगे। बस अब इस पॉट को हम रखें कहाँ? तो यदि आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, टेरेस है आपके पास में,
तो आप टेरेस पे किसी कोने में रख सकते हैं, या आप इसे बालकनी में भी रख सकते हैं, कोई भी बदबू इसमें नहीं आएगी। ये देखिए, मैं इसे इस तरीके से स्टैंड पर रख रही हूँ और इसे वहाँ कॉर्नर में शिफ्ट कर दूंगी ताकि ये डिस्टर्ब भी नहीं होगा। और इसके नीचे रखना है हमको एक पॉट। बस अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, क्योंकि मॉइस्चर बना रहना भी जरूरी है, नहीं तो ये सारा मटेरियल ऐसे ही सूखा पड़ा रहेगा और अच्छे से डीकम्पोज नहीं होगा। इस प्रोसेस को जल्दी करने के लिए आप चाहें तो थोड़ा सा गुड़ घोल के भी डाल सकते हैं या दही की लस्सी भी डाल सकते हैं। और इसके नीचे आपको रख देना है एक कोई भी पॉट, क्योंकि देखिए इसमें से ये पानी निकलेगा, तो इसे रखने के लिए अभी ये पॉट इसके अंदर नहीं जा रहा है। देखते हैं, ये देखिए इस तरीके से आप पॉट रख देंगे तो इसमें ये पानी कलेक्ट होता रहेगा और ये पानी भी बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करेगा। इसे भी आप अपने पौधों में डाल सकते हैं या फिर आप इसी में डाल दीजिए, तो इससे ये फर्टिलाइज़र और अच्छा जल्दी बन जाएगा। और इसके ऊपर आप रख दीजिए कोई भी एक पॉट, तो इससे ये सुंदर भी लगेगा। आप इसको और डेकोरेटिव करने के लिए इस पर पेंट कर दीजिए और अपनी बालकनी में सजा कर रख लीजिए। 15 दिन में एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सभी चीज़ें अच्छे से डीकम्पोज हो जाएं। और यदि थोड़ा ड्राई लग रहा है आपको, मॉइस्चर नहीं दिख रहा है, तो हल्का पानी डाल दें। 75 डेज हो गए हैं, अब देख लेते हैं कि कंपोस्ट तैयार हुआ कि नहीं। ये देखिए कितना कम हो गया है ये, और बहुत ही अच्छा कंपोस्ट तैयार हो गया है। इसे निकाल लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा कंपोस्ट तैयार हो गया है। ये देखिए कुछ ये बड़ी लकड़ियाँ वगैरह डाल दी थी, तो ये नई हुई हैं, इन्हें डिकम्पोज होने में थोड़ा टाइम लगता है। बस इसे अब छान लेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा कंपोस्ट मिल जाएगा। बस अब इसे छान लेंगे। इसे छानने के लिए मैंने ये डलिया ले ली है, क्योंकि छन्नी के छेद थोड़े छोटे होते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है। बस अब ये जो बचा है इसको फेंकेंगे नहीं, इसको फिर से डीकम्पोज होने डाल देंगे, या किसी पॉट वगैरह को भरते समय उसमें भी नीचे डाल सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा खाद तैयार हो गया है। ये खाद आप हर तरह के प्लांट में डाल सकते हैं, फलों का हो, सब्जियों के प्लांट हो, फूल वाले प्लांट हो, इंडोर प्लांट हो, सभी के लिए ये अमृत का काम करेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।